हे नमस्ते। तो क्या आप जानते हैं कि बहुत सारी चीजों को हम उनके जेनरिक ट्रेडमार्क यानी कि ब्रांड नेम से ही जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब हम छोटे थे तो कोई भी वॉशिंग पाउडर या डिटर्जेंट हमारे लिए निर्मा ही होता था। एंड नाउडेज सर्फ इज द न्यू सिनोनिम फॉर डिटर्जेंट। और आज भी बहुत सारे लोग कोलगेट मतलब टूथपेस्ट समझते हैं, यानी कि कोलगेट उनके लिए ब्रांड नेम नहीं है। अगर आप ऐसे बहुत सारे नाम जानना चाहते हैं तो बने रहिए इस वीडियो में हमारे साथ। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज भीख बाद में मांग लेना, पहले वीडियो शुरू करते हैं, एंड में मांगना भीख। ओके सो लेट्स गो। जो पहला वर्ड हम आपको बताने जा रहे हैं वो तो हमारी जुबान पर इतना ज्यादा छप चुका है। एग्जैक्टली इतना ज्यादा ही छप चुका है, वर्ड भी आपने देख चुका है, वो वर्ड है जेरोक्स। हम अक्सर फोटोकॉपी की जगह जेरोक्स यूज करते हैं, लाइक हमें जेरोक्स कराने जाना है एटसेट्रा एटसेट्रा। बट जेरोक्स एक्चुअली में फोटोकॉपी मशीन की एक कंपनी का नाम था जिन्होंने पहली बार फोटोकॉपी मशीन लेकर आए थे। इनफैक्ट जब मैं भी जाती हूँ किसी फोटोकॉपी शॉप में तो मैं बोलती हूँ भैया इसकी जरा जेरोक्स निकाल के दे दो, और भैया जी जेरोक्स निकाल के भी दे देते हैं, चाहे वो फोटोकॉपी मशीन कैनन के क्यों ना यूज करो बट वो जेरोक्स ही बोलते हैं। सो द नेक्स्ट वर्ड इज स्टेपनी। एज वी ऑल नो स्टेपनी इज स्पेयर टायर, बट एक्चुअली में देयर वॉज अ कंपनी स्टेपनी आयरन मॉन्गर्स जिसका नाम लंदन की एक डिस्ट्रिक्ट स्टेपनी पर रखा गया था। And they were the sole supplier of spare tires in Britain. And even though the company no longer exists, but its name is still used as the popular term for spare tires. So the next word is thermos. Thermos. Thermos, thermos nahi hai. It's a brand name. Brand name. To fir ise bolenge kya? Vacuum flask. Vacuum flask. रहने देते हैं, क्योंकि इंडिया में ना अब हर घर में हर बच्चे को पता है कि थर्मस यानी वो बॉटल जिसमें गरम चाय गरम और गरम पानी गरम ही रहता है। तो अब आपने घर की बात छेड़ ही दी है तो आपको पता होगा कि बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे आपके यहाँ एक्वागार्ड है, या फिर अरे आपके यहाँ एक्वागार्ड है कि नहीं, मुझे तो एक्वागार्ड का पानी अच्छा लगता है। एक्चुअली में ना दे मीन टू से वॉटर प्योरिफायर, बट इंडिया में एक्वागार्ड और वाटर प्योरिफायर एक दूसरे से चिपक चुके हैं, मींस के एक दूसरे के सिनोनिम बन चुके हैं। हाँ, जैसे वैसलीन इज फॉर पेट्रोलियम जेली एंड बिस्लेरी इज फॉर पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर। सो नेक्स्ट वर्ड आप गेस करोगे, और आम भी, ठीक है? ओके। तो वो सबके घर में होता है। पंखा? नहीं, वो रेक्टेंगुलर शेप का होता है। दरवाजा? सुन तो लो। सुनो। वो ठंडा करता है, और भी नीचे ये क्या, वो बर्फ जमाता है। फ्रिज? हाँ, बट वो एक्चुअली फ्रिज नहीं होता। तो फिर क्या होता है? उसे ना रेफ्रिजरेटर बोलते हैं। एक कंपनी थी गार्डियन रेफ्रिजरेटर कंपनी जिसने रेफ्रिजरेटर का एक ब्रांड निकाला था फ्रिजडेयर, और हम मुझे लगता है कि फ्रिजडेयर फ्रिजरेटर रेफ्रिजरेटर से हाँ, मतलब वो फ्रिजडेयर से फ्रिज बना होगा। हाँ, है ना, शॉर्ट में बता दिया। तो ठीक है, अब मैं भी एक क्वेश्चन पूछती हूँ। ओके ओके। मान लो आपको चोट लग जाती है, चुन्नी मुन्नी छोटी छोटी सी चोट लग जाती है ना कभी कभी, तो हम फिर उसके ऊपर वो क्या लगाते हैं? बैंडेड। यस, बैंडेड। बट बैंडेड ही इज एक्चुअली अ ब्रांड नेम जो जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी ने निकाला था। एक्चुअली में ना हमें बैंडेड को एडहेसिव बैंडेज बोलना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड ना आपको करके दिखाती हूँ। तो वो रेक्टेंगुलर शेप का होता है, और उस पर पहली बार हम ये बजाते हैं, टिंग 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 टिंग। मैं समझ गई, वो वर्ड है केसियो। बट वो केसियो नहीं होता है। तो फिर वो क्या होता है? ये स्क्वायर रूट क्या बना रही थी? स्क्वायर रूट नहीं, राइट राइट ऐसा। अच्छा, राइट की मार। हाँ। तो वो एक्चुअली म्यूजिकल कीबोर्ड होता है। म्यूजिकल कीबोर्ड? थोड़ा सा हाई फाई नाम नहीं है ऐसे, थोड़ा क्लासी। हाँ, एक और हाई फाई नाम बताऊ? हाँ बताओ। स्टायरोफोम। स्टायरोफोम? हाँ, वजनदार वर्ड है भाई। बता क्या होता है स्टायरोफोम? हाँ बता। थर्मोकोल। थर्मोकोल? हाँ। इमेजिन करो जरा, वर्ड तो ऐसा है, मतलब नाम एकदम धुआंधार धांसू वजनदार वेटेड नाम, और जिसका नाम है वो कैसा, हवा हवाई पतला पापड़। कभी आपने टू व्हीलर पे थर्मोकोल को लेकर गए हो क्या? जो पीछे पकड़ के बैठा रहता है ना, उसकी जान सूखती है वो किधर उड़ के चला जाए पतंग के माफी। हाँ।
वैसे बात बताइए, हम लोग ऐसे क्यों करते भैया जी भैया जी, मतलब शॉपिंग पर भैया जी रहते हैं। और अपने रिवाज के अनुसार हम इन सारे नामों को, इन सारे प्रोडक्ट्स को उनके नाम से नहीं उनके ब्रांड नेम से ही बुलाएंगे। सो दैट वॉज इट फॉर टुडेज वीडियो, यानी आज का ज्ञान यही बस समाप्त होता है। और जैसा कि मम्मी ने बोला था कि बाद में भीख मांगना तो भगवान के नाम, ऐसे नहीं बोला था, कुछ स्टेटस तो मेंटेन करो एटलीस्ट। सी मैं मांगती हूँ भीख। Guys, if you like this video, then please like, share and subscribe to my channel. और बाजू में जो घंटी होती है उसे भी बजा देना। और हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कौन सा वर्ड सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग लगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अपना ख्याल रखिए और हंसते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।